चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे एसएससी जीडी का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पे हिंदी भाषा का, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का। देखिए दोस्तों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एसएससी जीडी का पैटर्न जो हमारा होता है, उसमें चार हमारे टॉपिक आते हैं, जिसमें हमारा एक हिंदी लैंग्वेज का भी होता है और हमारे मैथमेटिक जीके और रीजनिंग का होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शनल में होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे हिंदी भाषा का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ वीडियोस बना चुके हैं और हम यहाँ पर और अदर यहाँ पर नए नए टॉपिकों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे है हमारा हिंदी में, और हिंदी में नंबर लाना बहुत ही यहाँ पर आसान है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें और इनको ध्यान से इन टॉपिकों को देखेंगे तो आप इनको बड़ी आसानी से कर लेंगे। और क्वेश्चन हमारे इसी तरह के आते हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, आपको डेफिनेशन सभी की पता होनी चाहिए। जो परिभाषा होती है, परिभाषा आपको संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की, विशेष्य की, जितने भी हमारे होते हैं उनकी सभी की पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोई ना कोई वहाँ पर अवश्य पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं। अब देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विशेषण, ये हमारे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब इस केस में हमारा जो विशेष्य है वो हमारा या संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, तो ये हमारे यहाँ पर विशेषण होता है। और देखिए, इनका भी आपको पता होना चाहिए। हमारी क्रिया क्या होती है? क्रिया हमारी वाले शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के होने का बोध होता है, वो हमारी क्रिया कहलाते हैं। अव्यय, अव्यय जो हमारे जिनका व्यय नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा होता है और हो गया, तो जो मतलब जिनका व्यय नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होते, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। और अविकार, जिनमें कोई विकार ना हो या विकार रहित जो होते हैं वो हमारे अविकार हो गए। विकार मतलब कमी होती है, तो विकार रहित हमारे अविकार हो गए। तो इनका भी आपको बताना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक हमें वाक्य दिया है, ये नीली पुस्तक मुझे दे दो, मैं नीली क्या है। अब देखिए, एक वाक्य आपको दिया है, ये नीली पुस्तक मुझे दे दो। यहाँ पर आपको जो नीली यहाँ पर यूज किया है, नीली क्या है करके बताना है आपको। देखिए, नीली क्या है, नीली क्या है, नीली एक विशेषता को बता रहा है, तो विशेषता को बताने वाला क्या होता है हमारा, विशेषण होता है। देखिए, तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, विशेषण होता है। जो काय की विशेषता बताता है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अब देखिए, यहाँ पर संज्ञा क्या है, ये हमारे यहाँ पर पुस्तक के रूप में हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी यहाँ पर विशेषता को बता रहा है। तो ये यहाँ पर नीली जो है एक विशेष के रूप में, यहाँ पर विशेषण के रूप में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। और ये भी आपको पता होनी चाहिए, संज्ञा हमारा क्या होता है, संज्ञा हमारा किसी वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, वो हमारे सर्वनाम हो गए। और वैसे हमारे विशेष्य हम अभी बता चुके हैं, देखिए जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है वो वाले हमारे विशेष्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर नीली क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, कभी कभार आपको हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि आपका यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो विशेष्य भी आपको बताना चाहिए। जो विशेष्य है उसी की विशेषता को प्रकट करता है विशेषण यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे हमारे पुस्तक विशेष्य है और विशेषण हमारा नीली है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। क्रिया के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि हमारी क्रिया जो है, जो कार्य का होने का बोध कराती है, वो क्रिया कहलाती है। जो शब्द यहाँ पर कराते हैं बोध। अब देखिए, क्रिया यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की क्रिया होती है। एक हमारी होती है अकर्मक और एक हमारी होती है सकर्मक। ये काफ़ी बार पूछा आता है, तो आपको ध्यान रखना है, अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं कर्म के आधार पर। अब देखिए, अकर्मक क्या होता है, अकर्मक वे वाली क्रियाएँ होती हैं जिनमें
यहाँ पर कर्म होता है, और जैसे हम कहेंगे राम लिखता है, अब देखिए यहाँ पर लिखना तो आ गया हमारा क्रिया के रूप में, लेकिन राम लिखता है यहाँ पर कोई कर्म यहाँ पर नहीं आया, तो ये हमारी अकर्मक के रूप में आएगी, राम लिखता है। तो राम लिखता है हमारा एक यहाँ पर अकर्मक क्रिया के रूप में वाक्य आ रहा है। और यदि हम बोलें कि राम पुस्तक पुस्तक में लिखता है, तो यहाँ पर आप पुस्तक लिखता है पुस्तक में लिखता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखना यहाँ पर क्रिया हो गई, पुस्तक क्या हो गई, यहाँ पर हमारी यहाँ पर कर्म भी आ गया। तो कर्म जब यहाँ पर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारी सकर्मक हो जाएगी। जब कर्म भी साथ में है क्रिया के तो वो सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है। तो दो प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया कि हमारी क्रियाएं क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल भी। अब अगली बार में हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब निम्न में हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखिए जातिवाचक जो हमारी यहाँ पे एक जाति को बताती है, एक मतलब अलग अलग प्रकारों को बताती है, तो वो हमारी एक तरह की से जाति संज्ञा कहलाती है जातिवाचक। जैसे यहाँ पर गुंजन है, गुंजन तो एक नाम हो गया, जयपुर एक नाम हो गया, अहंकार अहंकार भी एक ये गुण हो गया, अहंकार एक गुण हो गया, देखिए गुणवाचक आ गई। शहर यहाँ पे है तो शहर यहाँ पे जातिवाचक है, जो एक बता रहा है कि शहर मतलब शहर का मतलब एक हमारा जहाँ यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, इमारतें होती हैं, तो वो हमारा एक शहर यहाँ पे बता रहा है कि अलग, जैसे हमारा गांव हो गया शहर हो गया, तो ये हमारा अलग अलग यहाँ पे क्या होता है वहाँ पर अलग अलग उनके प्रकारों को बता रहा है, तो वही हमारा जातिवाचक होता है। तो ये हमारा शहर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, महात्मा जी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा बताइए। अब इस वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए संज्ञा है क्या, ठीक है। संज्ञा यहाँ पे है महात्मा जी, तो महात्मा जी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे संज्ञा का प्रकार बताना है। देखिए संज्ञा हमारी जो होती है, संज्ञा का कौन सा वाला प्रकार यहाँ पे है। अब महात्मा जी यहाँ पे क्या है, एक नाम है महात्मा जी, तो ये हमारी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा के रूप में है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पर संज्ञा होती है अलग अलग प्रकार की, जैसे हमारे यहाँ पर भाववाचक होती है, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, गुणवाचक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके प्रकार याद रखने, इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं यहाँ पर, तभी आप इनको बता पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर है जातिवाचक, ऊपर हमने देखा, और यहाँ पर भाववाचक जिसमें भाव होता है, भाव जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर खुशी का भाव या अहंकार का भाव, क्रोध का भाव, तो वो सभी वहाँ पर भावों के रूप में आ जाएंगे। हंसने का भाव, हास्य भाव या श्रृंगार भाव, रति भाव, तो ये यहाँ पर भाववाचक में आ जाएंगे। और वैसे हमारा द्रव्यवाचक में, द्रव्य यहाँ पर वस्तुओं के बारे में, तो वो हमारे द्रव्य में आ जाएंगे, मटेरियल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप के यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारे आसान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको देखते हैं यहाँ पर, आसान भी कहेंगे या फिर कन्फ्यूजन वाले भी क्वेश्चन कह सकते हैं हम इनको। अब देखिए यहाँ पर हमारे निर्देश दिया हमें, निर्देश 6 से लेकर यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर 8 तक हैं, 8 तक के शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। अब आपको बताना है यहाँ पर पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब आपको पता होगा, जो आपके अर्थ जिनका नहीं बदलता है बल्कि शब्द बदल जाएगा, वो हमारे पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची मतलब उसी का एक दूसरा रूप, वही अर्थ रखेगा लेकिन शब्द अलग होगा। जैसे हमारे यहाँ पर पक्षी है, अब पक्षी का क्या पर्यायवाची होता है ये आपको पता होना चाहिए, विहाग होता है, विसर्ग होता है, विहग होता है, अभ्र होता है। ठीक है, विहग यहाँ पर हमारा पक्षी का यहाँ पर पर्यायवाची होता है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। पर्यायवाची आपको अधिक से अधिक याद रखने हैं, जो हमारे मुख्य रूप से यहाँ पर होते हैं पर्यायवाची शब्द, उनका आपको पर्यायवाची याद रखना है। अब देखिए हमारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है सर्वोत्तम, सुंदरतम और भव्य और दिव्य। अब देखिए सर्वोत्तम हमारा, सर्वोत्तम मतलब सभी में उत्तम हो गया, और सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी में श्रेष्ठ हो गया, तो ये यहाँ पर इनका पर्यायवाची है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब सुंदरतम हमारा अलग ही हो गया, भव्य मतलब हमारा अलग हो गया, दिव्य मतलब हमारा अलग हो गया, तो ये हमारे अलग हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा पर्यायवाची सर्वश्रेष्ठ का हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, जल
जल का पर्यायवाची बताना है। देखिए जल का यहाँ पे पर्यायवाची हमारा है नीर। जल को हम नीर भी बोलते हैं, जल को पानी भी बोलते हैं, जल को और भी यहाँ पर नाम होते हैं इनके, वारी भी बोलते हैं हम जल को। तो ये हमारे यहाँ पे इनके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे नीर हमें दिया है तो नीर में हम टिक कर देंगे। पवन, देखिए पवन तो हवा का होता है, जलज जलज और पंकज यहाँ पे कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये यहाँ पर अलग हो गया, तो नीर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पर्यायवाची देखे दोस्तों। पर्यायवाची आपको अधिक से अधिक याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में आने पर कर सकें, क्योंकि जरूरी वहाँ पर नहीं है कि ये वाले पर्यायवाची ही आपको पूछे जाएंगे। पर्यायवाची आएंगे वो कोई भी आ सकते हैं। तो ये आपको आइडिया लगाना है, ये आपको एक निर्देश देता है, और हो सकता है अभी जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अधिक से अधिक याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारे यहाँ पे है निर्देश में दिए, वर्तनी शुद्ध करनी है। अब वर्तनी हमें शुद्ध करनी है। अब देखिए हमें दिया यहाँ पर पहला वाला पूजनीय। अब पूजनीय को यहाँ पर शुद्ध करना है। देखिए पूजनीय का एक पहला हमें दिया पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय। अब देखिए इनमें बहुत हल्का अंतर होता है, बहुत लिटिल डिफरेंट होता है। तो इनको आपको अलग अलग करने के लिए आपके हिंदी में जो शब्द हैं, शब्दकोश का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक यहाँ पर किताबें पढ़ेंगे, अधिक से अधिक यहाँ पर शब्दों को देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो उससे आपको पता होगा, ज्ञान होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है पूज्यनीय होता है, पूज्यनीय जैसे हम लिखते हैं कि पूज्यनीय माता, पूज्यनीय पिताजी या पूज्यनीय भाई, जो मतलब आदर जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम पूज्यनीय लगाते हैं, पूजने योग्य, पूजनीय मतलब पूजने योग्य। तो ये हमारा यहाँ पर पूज्यनीय होता है। अब देखिए मात्राओं का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पूज्यनीय केवल यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है, तो इतने में ही हमारा अंतर हो गया। तो इसलिए आपको हर एक इनको वर्तनी को शुद्ध करने के लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आप शब्दों को गौर से जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो इनको आप सही कर पाएंगे। अब देखिए हमारे अगले यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार यहाँ पर लिखा है, श्रृंगार जो हमारा होता है, जो श्रृंगार क्या होता है, या श्रृंगार हमारा एक रस होता है, एक भाव होता है। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर लिखा है श्रृंगार, यहाँ पर लिखा है श्रृंगार, यहाँ पर लिखा है श्रृंगार, यहाँ पर लिखा है श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाला लिखना है। देखिए शुद्ध जो इसका होता है वो होता है हमारा श्रृंगार। यहाँ पर री की मात्रा होती है श्रृंगार, ऊपर से अंग की मात्रा होती है श्रृंगार। ये आपका श्रृंगार है, श्रृंगार कुछ नहीं होता, श्रृंगार अलग हो गया और श्रृंगार भी कुछ नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा, इसका शुद्धतम रूप यहाँ पे। अब देखिए हमारा अगला यहाँ पे है अभिनेता। अब देखिए अभिनेता यहाँ पर लिखा है, अब इसका शुद्ध आपको रूप बताना है, अभिनेता होता है या फिर अभिनेता ही होता है, या फिर अभिनीता होता है, या फिर अभिनेता होता है। अब देखिए आप इनको तो देख रहे होंगे तो फजूल है बिल्कुल, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा केवल यहाँ पे अभिनेता और अभिनेता में। देखिए अभिनेता अभिनेता ही होता है, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध लिखा है, अभिनेता ही होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया, अभिनेता नहीं होता है। देखिए तो आपको इससे क्या पता लगा कि कभी कभार हो सकता है आपको शुद्ध दे दिया गया हो, तो इसका मतलब आपको ये भी नहीं समझना कि हर एक वहाँ पर आपको गलत दिया होगा। आपको ज्ञान होना चाहिए, यदि आपको पता होगा तो आपको वहाँ पर सही दिया होगा, तो आप तब भी समझ जाएंगे कि आपको बिल्कुल सही दिया है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका वही होगा। लेकिन कई बार आपको अशुद्ध भी दिया होगा तो आपको अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आप जब भी पढ़ेंगे तो आप शब्दों पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर गौर से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ते हैं तो शब्दों को वहाँ पर देखिए कौन सी वाली मात्रा कहाँ पर लग रही है और कौन सा वाला शब्द हमारा क्या है। जो हमारे पॉपुलर यहाँ पर होते हैं वर्ड, वही वाले आते हैं, हर एक यहाँ पर नहीं आता, तो इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक देख के इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन देखे जो हमारे हिंदी के थे, हिंदी भाषा पर आधारित यहाँ पे हमने यहाँ पर देखे। और भी इस तरह अदर क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपकी समझ में ना आए हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आपको हिंदी की तैयारी करते वक्त हो तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।